और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान जताया गया है। 2017-18 के विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल 7.1% थी। जी हाँ, 2016-17 में 7.1% विकास दर, जो घटकर इस साल अनुमान जताया जा रहा है 2017-18 के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिशिर, आर्थिक मोर्चे से ये बुरी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, कुछ हद तक तो बुरी खबर है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नोटबंदी के बाद का पहला पूरा कारोबारी साल है और जीएसटी लागू होने के बाद के पहले 6 महीने हैं। अगर आप इस कारोबारी साल की बात में, तो पहली तिमाही बहुत अच्छा नहीं था, 5.7% की दर से विकास हुआ था और दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3% रही थी। अब अगर यहाँ पर 7% की विकास दर हासिल करनी है जो पिछले साल के थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर यानी कि इस तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर 7% से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, जो शायद संभव नहीं दिख रहा था। यही वजह है कि विकास दर जो है वो थोड़ी कम हुई है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए, जैसा कि सरकार बार बार कहती रही है, कि जीएसटी का पूरा असर जो है वो अगले कारोबारी साल में दिखेगा, तो हम अगले कारोबारी साल में हम स्थिति बेहतर होते हुए देखेंगे, जिसकी शुरुआत दूसरी तिमाही से हो चुकी है। अब आगे उम्मीद की जानी चाहिए, यानी कि 2018-19 में उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वो हिचकोले हैं जिसका अंदाजा पहले से ही सरकार लगा रही थी, क्योंकि नोटबंदी हुई, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ, ऐसे में ये माना जा रहा था कि कुछ धक्का तो लगेगा अर्थव्यवस्था को। लेकिन सवाल ये कि सरकार तो ये मानकर चल रही थी कि ठीक है, हिचकोले खाएगी अर्थव्यवस्था, आम लोगों के जीवन पर इसका क्या असर? देखिए, आम लोगों के जीवन पर सबसे बड़ा जो असर है वो है कि रोजगार के मौके को लेकर के है, और ये चर्चा हमेशा से होती रही है कि रोजगार के उतने मौके नहीं बन रहे हैं जितने मौके बनने चाहिए। अगर आप सेक्टर वाइज देखें, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, उद्योग की विकास दर थोड़ी अच्छी नहीं रही है, वहां पर अब स्थिति अगर बेहतर होती है जैसा कि दूसरी तिमाही से हमें दिखने लगा है, वहां पे रोजगार के मौके अच्छे बनेंगे। लेकिन पिछले समय में जो बात बार बार कही जा रही थी कि रोजगार के पर्याप्त मौके नहीं बन रहे हैं, इन आंकड़ों से वो बात कुछ हद तक साबित होती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2017-18 के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जो 2016-17 में 7.1% थी, घटकर 2017-18 में 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। नहीं भूलना चाहिए हमें, इसमें नोटबंदी की वजह से जो रफ्तार कम हुई आर्थिक देश की वो शामिल है, और साथ ही जीएसटी का फैसला जिस तरीके से लागू हुआ उसका भी असर इस वित्त वर्ष 2017-18 में देखा जाना था। ये पहले से ही सरकार की तरफ से बताया जा रहा था, लोगों को तैयार किया जा रहा था। तो आर्थिक मोर्चे पर यह बुरी खबर जरूर सामने निकल कर आई है, लेकिन पहले से ही इसका अंदाजा जताया जा रहा था। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।